प्यारे भारतवासियों, आपको शत-शत नमन। आज जैसे आपको पता है, एक ज्वलनशील मुद्दा है 3/24 को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है, विवाद बना रहा है। 106(2) जो भारतीय न्याय संहिता का एक कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व के अंदर लागू होने जाने वाला है, जो कि आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति से भी साइन हो चुका है, लेकिन अभी एनफोर्समेंट की डेट बाकी है, अभी लागू ही नहीं हुआ है। और करोड़ों लोग यहाँ भारतवर्ष के अंदर प्रतिदिन गाड़ियाँ चलाते हैं, और ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट व्हीकल से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, डोमेस्टिक लोग भी, करोड़ों लोग इसके दायरे में आते हैं। भारत के अंदर 2022 का NCERB का आंकड़ा है कि 168,000 मृत्यु रोड एक्सीडेंट की वजह से सिर्फ हुई हैं, और 5,00,000 जो डेथ हैं, एक्सीडेंट्स हैं, फेटल एक्सीडेंट्स जो हैं, वो इस रोड एक्सीडेंट की, मतलब व्हीकल्स की वजह से होती है। और मैं साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में पुराना कानून क्या था। पहला कानून में ज़्यादातर केस दर्ज होते थे हिट एंड रन का केस के अंदर 279, जिसमें 6 महीने की कैद होती थी रैश ड्राइविंग करने पर, 338 के अंदर गंभीर चोट लगने पर जोड़ा जाता था और 2 वर्ष तक की कैद थी। इसी के अंदर 304A का एक कानून था जिसमें 2 वर्ष तक की कैद थी। यहाँ देखने होते गंभीर चोट लगती जब भी 2 साल की कैद थी, और जब बंदा मृत्यु को प्राप्त होता था रैश ड्राइविंग की वजह से या उसके वजह से, तो भी 2 साल की सजा थी। तो ये एक अंग्रेजों का कानून था, IPC 1860, आप सब जानते ही हैं। उस टाइम गाड़ियां, जिस टाइम ये कानून बना था, अंग्रेजों के पास गाड़ियां हुआ करती, भारतीय देश के लोग जो है पैदल चला करते थे, बैलगाड़ियों पे, इन पे चला करते थे, और इससे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भारतीयों के हुआ करते थे। अंग्रेज तो हमेशा गाड़ियों में चलते थे, तो अंग्रेज कभी भी इस 304A का सामना नहीं करते थे। एक आधा कोई केस होता होगा और वो बच के निकल जाते थे, क्योंकि पुलिस की क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी, और आज भी इस देश के अंदर यही है। और IPC 80 के अंदर भी ये प्रोविजन है कि अगर तुमने ये साबित कर दिया कि उनके बीच में एक्सीडेंट होने और मरने और मारने वाले में, चोट लगने वाले बीच में कोई रंजिश नहीं है, तो उसकी सजा माफ भी हो सकती थी। इसी के साथ 397 CRPC में कंपनसेशन का प्रोविजन था। ज़्यादातर केसों के अंदर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनियां देती है, और भारत की जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका मोस्टली बाहर की विदेशी कंपनियों से इंश्योरेंस का टाई अप हो गया है। और इस तरह से जो मोटा प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनियां लेती है मोटर व्हीकल एक्ट में थर्ड पार्टी के अंदर, उनको अरबों खरबों रुपये का ये कंपनसेशन लेना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों को है, जिनको कंपनसेशन इस कानून के बदलने के बाद उनको एक फ़ायदा जरूर होगा। दूसरा, मैं अब इस विषय में चर्चा करना चाहता हूँ कि इसके मुख्य कारण है क्या। इसके मुख्य कारण है खराब सड़कें हमारे देश के अंदर, लाइटनिंग सड़कों पे ना होना, प्रॉपर साइनेज रेडियम वाली बेल्टों का ना होना, जिससे कि प्रॉपर ड्राइवर को दूर से नज़र नहीं आता, डिवाइडर सड़कों के बीच में ना होना या डिवाइडर टूटे होना, जिससे क्रॉस एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोहरा होना, मौसम वेदर भी एक कारण है, रात के टाइम कोहरा होना और उस कोहरे के अंदर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ड्राइवर का गाड़ी का वर्किंग पीरियड ज़्यादा, मतलब अगर उसने 12 घंटे 16 घंटे 20 घंटे गाड़ी चला रहा है, तो वो भी एक उसको नींद का झपकी लगती है और एक्सीडेंट का कारण बनता है। और सर्विस रोड, प्रॉपर सर्विस रोड ना होना, सड़कों में गड्ढे होना, जगह जगह गड्ढे मिलते हैं, और बिगर सेशन वाली गाड़ियाँ, ऐसी गाड़ियाँ जो चल रही हैं, जैसे ई रिक्शा चल रही हैं बहुत सारी, लाखों ई रिक्शा पूरे भारत में चल रही हैं, 3-व्हीलर चल रहे हैं, ग्रामीण टेम्पो चल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है, बैलगाड़ी चल रही है, ऊंट गाड़ी चल रही है, ऐसे कितनी गाड़ियाँ ऐसी चल रही हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और जो इनका कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब पशु ये जो पशु के द्वारा गाड़ी चलाई जाती है, ये भी कई बार नियंत्रण खो रहे थे और एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। ओवरलोड कमर्शियल गाड़ियाँ पूरी दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर आप देखो कि खनन माफिया है, ये रोड़ी बदरपुर सीमेंट मलबे की गाड़ियाँ, ये सब ओवरलोडेड चल रही हैं, और ओवरलोडेड और बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, और ये पूरा काम जो है करप्शन की उसके अंदर चलता है, देख रेख में पुलिस की लोकल सरकारी तंत्र के देख रेख में चलता है। सैटेलाइट से अगर इमेज लोगे तो दिन के लाखों करोड़ों व्हीकल सड़क पर नजर आएंगे जो ओवरलोड चलते हैं और जो अनलाइसेंस चलते हैं सड़कों पर। अब पशुओं का होना, गाय हो गई, बैल, ये अपना कुत्ते हो गए, पक्षी हो गए, अब कोई पक्षी पर बातचीत से कोई चीज़ गिर गई ड्राइवर के ऊपर, तो वो एक्सीडेंट होने का कारण हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर प्रॉपर कारण को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है, और पुलिस तो करती ही नहीं है, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन कभी भी नहीं करती। इसी का फ़ायदा अंग्रेजी पैसे वाले देश इस देश में हमेशा उठाते रहे हैं और कानून से बच के निकलते रहे हैं। नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाना, हम देखते हैं, हम गली मोहल्ले में बच्चे जो हैं गाड़ियाँ लेके चलते हैं, 14 साल 15 साल, आजकल जिस तरीके से स्कूटियाँ आ रही हैं सड़कों पे, गाड़ियाँ आज कितने चलान कट रहे हैं, उसके बावजूद आज नाबालिग बच्चे जो हैं लेके चल रहे हैं। तो इसके अंदर आप ये देखो कि ट्रैफिक की जो लोगों को प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स की और साइनेज की जानकारी नहीं होना, गाड़ी के अंदर कितने जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी जानकारी नहीं है, जो रोड के ऊपर पूरे ट्रैफिक के रूल्स हैं उनके साइनेज की है उनकी जानकारी नहीं है, सड़कों पर हाई स्पीड के अंदर गाड़ी चलाना, लोग हाई स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं
जब इस देश के अंदर 75 साल के अंदर पहले 80 60 की रेट्स के हुआ करती थी, 40 की स्पीड लिमिट हुआ करती थी, अब कई जगह 80 से 120 की लिमिट है, तो यहाँ 180 से लेकर 240 80 तक की गाड़ियाँ सरकार पास कर देती है, तो फिर वो किस जगह चलाने के लिए पास करती है और किस समय पे, ये बात अब तक सरकार के ऊपर सवाल उठते रहे हैं 75 सालों के अंदर। तीनों हर तरीके की राजनीतिक पार्टी इसके अंदर दोषी है, मैं ये मानता हूँ। सबसे इसके बाद सबसे ज़्यादा कारण क्या होता है, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन ना होना। पुलिस कभी भी जो है अपना काम जो है प्रॉपर ड्यूटी एज पर रूल जो भारत के कानून के तहत है वो नहीं करती, मनमानी करती है, और उनका जो कई बार अक्सर देखने में आया लाखों केस कोर्ट के अंदर करोड़ों केस गवे है, तो पुलिस मनमानी करती है और मनमानी तरीके से वो अपना चलाती है। जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो प्रॉपर सीडीआर जीपीएस कलेक्शन नहीं करते, वो जो मोबाइल उसके पास एक्सीडेंट होता है जिससे पता चल सके कि उसे क्या कारण थे, लास्ट टाइम पे क्या हुआ, आसपास की सीसीटीवी फुटेज प्रॉपर कलेक्ट नहीं करते प्राइवेट या सरकारी। वो लोग जो है स्पीड के जो साइलेंसर लगे होते हैं वो प्रॉपर रोड पर लगे होने चाहिए, उसकी कोई कोशिश डीसीपी ट्रैफिक जो इंस्पेक्टर ट्रैफिक होते हैं वो लिख के नहीं भेजते कंसर्न एजेंसीज को कि यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो रहे हैं या यहाँ पे ये डार्क स्पेस का एरिया या लाइटिंग लगनी चाहिए, वो काम नहीं करते अपना प्रॉपर। इसके बाद क्या कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे को देखना है कि सैटेलाइट इमेज वो ले सकते हैं अगर कोई एक्सीडेंट का सही कारण देखना है कि क्या किस टाइम हुआ था, नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ों के अंदर यहाँ नए कानून से कुछ बदलाव जरूर आएगा। अगर ये लोगों के अंदर थोड़ा सा डर बैठता है कि कानून अगर सख्त होते हैं तो ये सिर्फ उन 8 लाख लोगों की तक बात नहीं है जो ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल वगैरह कर रहे हैं स्ट्राइक, विपक्ष की बातों में आके इस देश का जो राजनीतिक तंत्र है, विपक्षी राजनीतिक तंत्र, ये हमेशा सत्ता पक्ष को परेशान करता रहा है और ये गलत है। अभी राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं ये न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, लेकिन यहाँ ये नज़र आता है कि जनता को गुमराह कर रहे हैं केंद्र में चुनी हुई सरकार के खिलाफ, ये गलत है। उनको साथ देना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, सजेशन रखने चाहिए और इस विषय के ऊपर गहन बात होनी चाहिए। और अगर सुधार 106(2) के अंदर चाहते हैं, जिसके अंदर ये मेन बात है कि अगर कोई ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो वो सूचना दे, उसका हॉस्पिटल में ले जाके इलाज कराए तो उसको मैक्सिमम 5 साल की सजा है जो पहले 2 साल थी, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो 10 साल की सजा है। तो ये एक इंसानियत के नाते भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कानून की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी आदमी से कोई गलती होती है, एक्सीडेंट होता है, वो बंदा मर सकता है, उसके पीछे और 5-10 आदमी रोटी पानी के लिए भी वंचित हो सकते हैं, तो ऐसे में ये एक सामाजिक मानवता के जिम्मेवारी है, सामाजिक जरूरतें हैं, नैतिकता की जिम्मेवारी है, करना चाहिए। अगर वो वहां से भाग जाता है ये बात कह के कि मॉब लिंचिंग वहां हो सकती है, लेकिन उसको प्रयास करने चाहिए कि उस आदमी को किसी तरीके से बचाया जाए। तो सबसे पहले वहां से 100 नंबर कॉल करना चाहिए, बताना चाहिए मैं किस रूट से, किस ट्रांसपोर्ट से, किस व्हीकल से आ रहा हूँ, 100 नंबर कॉल वो करे अपने मोबाइल के अंदर, हर उसके अंदर होना चाहिए। इन जो ट्रकों के अंदर एसी कैबिन बनाने की बात पीछे नितिन गडकरी जी ने उठाई थी, यहाँ पे बटन होना चाहिए कमेंट से, ऐसा कोई हो तो वो बटन दबा दे ताकि वहाँ की लोकल पुलिस को इंटीमेट पहुंच जाए तुरंत कि ये ट्रक यहाँ पे जीपीएस लोकेशन द्वारा यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। वो अगर वहाँ से निकले भी तो कम से कम वो वहाँ पे लोकल पुलिस, लोकल एजेंसीज, लोकल पब्लिक के लोग वहाँ पे पहुंच सके। तो ये सब काम मेरे ख्याल से होना चाहिए, सुधार इसके अंदर, और आने वाले के अंदर पे हम और चर्चा करेंगे भारतीय नई संहिता के इस नए कानून के ऊपर। तो देखते हैं कि क्या जनता की राय रहेगी, लोगों से भी मिलेंगे जुलेंगे और उनसे राय लेंगे, ट्रांसपोर्टर से भी राय लेंगे, पब्लिक से भी मिलेंगे, सबके मिलकर फिर प्रतिक्रिया आपको दोबारा दूसरी वीडियो में देंगे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस गांधी, जिंदाबाद।